एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव ब्लॉक भगतपुर टांडा स्थित महमूदपुर तिगरी ग्राम पड़ा। वर्तमान समय में जायदा बेगम इस गांव की प्रधान है। लगभग 10,000 की आबादी वाली यह ग्राम पंचायत जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर तो वही ब्लॉक से इस ग्राम पंचायत की दूरी मात्र 2 किलोमीटर है। वर्तमान प्रधान जायदा बेगम ने गांव में सफाई कर्मी की भी तैनाती कर रखी है, जिससे गांव साफ सुथरा दिखाई दिया। बात अगर वोटरों की करें तो गांव में लगभग 3500 वोटर व 500 राशन कार्ड धारक भी नजर आते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूलों में छात्र छात्राओं की कुल संख्या लगभग 180 नजर आती है। तो वहीं ग्राम प्रधान ने वर्तमान समय में सड़कों का निर्माण करवाया है। उन्होंने बताया कि गांव में सफाई के अंतर्गत उन्होंने सड़कों पर कूड़ेदान की भी व्यवस्था कराई है, साथ ही नालों व नालियों का निर्माण भी कराया गया। वर्तमान प्रधान ने ग्राम में लगभग 60 हैंडपंप भी लगवाए हैं, जबकि 30 और हैंडपंपों की सरकार से अभी भी मांग है। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा 55 बिजली के पोल व 4 बिजली के ट्रांसफार्मर भी गांव में लगवाए गए। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने बताया कि गांव में अभी भी नालों की और आवश्यकता है, साथ ही साथ पंचायत घर की भी गाँव में आवश्यकता है। प्रधान महमूद टिगरी, हम बोल रहे हैं कि भगतपुर टांडा ब्लॉक जो भी दक्षिणा मतलब जो भी आता है पैसा ग्राम पंचायत में एक काना पैसा हम लगा चुके हैं, ठीक है। और जो भी आवास सरकार ने हमें दिए हैं उनके हम आवास बनवा चुके हैं। अब जो भी आवास हमें चाहिए भी हैं और काफ़ी ज़रूरत है, बाकी वाकई में कई लोग गरीब हैं जिनके लिए हमें आवास चाहिए, वो आवास हमें मिल जाने चाहिए। किसी भी सूरत से सरकार हमें दे दे तो बहुत बड़ा उपकार होगा सरकार का, मिल जाने चाहिए और बड़ी बड़ी कृपा होगी सरकार की कि सरकार हमें वो आवास दे दे। कोई भी किसी तरह से भी किसी ढंग से भी लोग गरीब जो घर हैं वो बसवा दिए जाएं और पैसा ग्राम पंचायत में कुछ सही करके भेज दें तो हम ग्राम वासियों को दिखा दें कि हाँ प्रधान ने काम किया है बढ़िया करके। हम चाहते हैं हमारे गाँव की एक एक सड़क बिल्कुल बढ़िया गाँव चमन हो जाए। सफाई सुथराई का काम सरकार सौंप रही है, वो हम बराबर अपनी तरफ से लेबर लगा कर स्टाफ खुद 10-10 आदमियों का और अपनी जेब से पैसे देकर अपनी मेहनत के सरकार हम तो चावे का हिसाब लेना तो ले सकती है किसी भी वक्त। सच्चे दिल से काम करा सरकार ने, जो पैसा दिया है वो ग्राम पंचायत के अंदर लगाया, हमने एक पैसे के वफादार सरकार के नहीं है। वहीं ग्रामीणों ने कैमरे से बात करते हुए बताया कि गांव पंचायत में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल स्थिति में नजर आती है। उन्होंने बताया कि गांव में पानी की निकासी की व्यवस्था भी अच्छी नहीं है। अच्छा काम कर रहे हैं, गरीबों की बहुत देखभाल कर रहे हैं साहब, आगे को भी यही प्रधान जी होने चाहिए।